हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज आपके सामने लाया हूं मैं रिवीजन लेक्चर। ये एक ऐसा रिवीजन है जैसे कि मैंने पार्ट फर्स्ट से 11 पार्ट तक, मतलब पहले पार्ट से 11वें पार्ट तक जितना भी टॉपिक पढ़ाए हैं मैंने, उसका एक फुल फ्लेज रिवीजन लेक्चर। एक ऐसा रिवीजन जिसके अंदर चारों पार्ट, जो भी 11 ही पार्ट है, उसका यहां मैं समझाऊंगा। ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैं पूरा तो नहीं डिस्क्राइब कर पाऊंगा, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स जो मैंने समझाए पिछले पार्ट्स में, उसको सारा मैं एक बार ले सकूं। ठीक है, तो ध्यान से एक मतलब एक एक टॉपिक को मैं धीरे धीरे समझाऊंगा। आप प्लीज कॉन्सेंट्रेटली सुनना, बहुत ही फायदेमंद है आपके लिए। मैं अगर तुम्हारे लिए इतना हार्ड वर्क कर रहा हूं, तो तुमको और मुझसे ज्यादा करना चाहिए। आप लोगों को मुझसे भी ज्यादा हार्ड वर्क करना चाहिए। प्लीज कॉन्सेंट्रेटली ध्यान लगाकर इस वीडियो को सुने। बहुत ही मतलब तुम्हारे लिए बहुत ही बेनिफिट है, आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा इस वीडियो को सुनना। ओके, थैंक यू। तो रिवीजन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले हम देखेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके बेसिक इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि जीएसटी कब आया, कैसे लाया गया, और ये जीएसटी है क्या, इसकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, इसका मतलब क्या है। ये सारा जो भी है डिस्क्रिप्शन इस रिवीजन लेक्चर के अंदर, जीरो से जेड तक जो अपन ने अभी तक पढ़ा है पिछले 11 पार्ट के अंदर, उसको देखेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर 160 कंट्रीज ऐसी है जिसने ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर रखा है जीएसटी को। 160 कंट्रीज इन अ वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, जिसने क्या कर रखा, जीएसटी को ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर रखा है। भारत के अंदर भी जीएसटी आ गया। 1 जुलाई 2017 से भारत के अंदर जीएसटी लॉन्च हुआ था। पहली कंट्री कौन सी थी, फ्रांस। फ्रांस दुनिया के अंदर एक ऐसी कंट्री है जिसने सबसे पहले क्या किया था, जीएसटी को क्या किया था, इंप्लीमेंट किया था। तो पहली कंट्री कौन सी है, फ्रांस। फ्रांस ने सबसे पहले जीएसटी लाया था। अब देखते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर हमने देखा कि 160 कंट्रीज थी जिसने जीएसटी को ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर रहा था, और फ्रांस ऐसी फर्स्ट कंट्री है जिसने क्या किया था, फर्स्ट में इंप्लीमेंट किया था जीएसटी को। ओके, तो ये था अपना बेसिक इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं जेनेसिस ऑफ अ जीएसटी इन इंडिया। जेनेसिस ऑफ अ जीएसटी, जीएसटी का जन्म भारत में कैसे और कब हुआ, कैसे लाया गया, इसका एक पूरा स्टेप बाय स्टेप था जो हमने वीडियो में देखा था। यहाँ पे मैं पूरा रिवाइज करवाऊंगा। हाँ, तो जेनेसिस ऑफ जीएसटी के अंदर देखते हैं कि सबसे पहले जो आइडिया था जीएसटी का, वो प्रपोज किसने किया था या वोटेड किसने किया था, केलकर टास्क फोर्स। केलकर टास्क फोर्स में 2004 के अंदर इस जीएसटी के कॉन्सेप्ट को और जीएसटी का जो प्रपोजल था वो रखा था केलकर टास्क फोर्स ने 2004 के अंदर। उसके बाद 2006 बजट, 2006 2007 के अंदर जो यूनियन ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, उन्होंने ऐसा रखा था कि 1 अप्रैल 2010 से जीएसटी इंप्लीमेंट हो जाएगा, लेकिन हो नहीं पाया था। ओके, उसके बाद 2014 के अंदर, 2014 के अंदर द कॉन्स्टिट्यूशन 122nd अमेंडमेंट बिल के साथ लोकसभा के अंदर आया था। किसमें, 2014 के अंदर द कॉन्स्टिट्यूशन 122nd अमेंडमेंट बिल के साथ लोकसभा के अंदर आया था। और अगस्त 2016 के अंदर द कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट बिल जो इनेक्टेड हुआ था, कहां, अगस्त 2016 के अंदर। उसके बाद सितंबर 2016, दोस्तों ध्यान से सुनना, सितंबर 2016 के अंदर फर्स्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग, फर्स्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग कब हुई थी, सितंबर 2016 के अंदर। फिर देखते हैं मार्च 2017 आया, और मार्च 2017 के अंदर जो भी जीएसटी काउंसिल थी, जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंडेशन किया था किसका, सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट, कंपनसेशन बिल का क्या था, रिकमेंडेशन किया था। और अप्रैल 2017 के अंदर जितने भी रिकमेंड किए थे जीएसटी काउंसिल ने, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, कंपनसेशन बिल को क्या कर दिया था, पास कर दिया था। ओके, इसके बाद दोस्तों अप्रैल 2017 के बाद मई 2017 के अंदर जीएसटी काउंसिल ने और रिकमेंड किए रूल्स को मई 2017 के अंदर, और 30 जून 2017 के अंदर सारे स्टेट के अंदर एसजीएसटी एक्ट पास हो गया था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। 30 जून 2017 ऑल स्टेट पास्ड एस
जीएसटी एक्ट एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, और फाइनली 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लॉन्च हो गया इंडिया के अंदर, और 8 जुलाई 2017 को जम्मू एंड कश्मीर में भी एसजीएसटी एक्ट को पास कर दिया था। तो ये था जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया, मतलब 1 जुलाई 2017 को इंडिया के अंदर जीएसटी लॉन्च हुआ था और 8 जुलाई 2017 को जम्मू एंड कश्मीर में भी एसजीएसटी एक्ट पास कर दिया। और जर्नी ऐसे ही चलती आ रही है जीएसटी की, जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया देखा। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। प्लीज दोस्तों ध्यान से सुनना, बोर बिल्कुल मत होना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिविजन है। इसके अंदर पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन मीन्स की फर्स्ट चैप्टर जो भी जीएसटी का बेसिक होता है, जीएसटी रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो मैंने एक एक पॉइंट लेके ले रखे। प्लीज ध्यान से सुनते रहिए और मजे लीजिए इस रिविजन का। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का अपन क्या देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं। डायरेक्ट टैक्स फर्स्ट पॉइंट बताता हूं डायरेक्ट टैक्स के अंदर, कि जो भी पेयर ऑफ टैक्स और सर्फर ऑफ टैक्स दोनों के होते हैं सेम पर्सन होते हैं। जैसे कि मैं अगर सफर कर रहा हूं टैक्स का तो पेयर भी कौन हूं, मैं ही हूं। तो पेयर ऑफ टैक्स और सर्फर ऑफ टैक्स क्या है, सेम पर्सन है। मतलब इंपैक्ट ऑफ टैक्स और इंसिडेंस ऑफ टैक्स किसके ऊपर आता है, सेम पर्सन के आता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर ये दोनों सेम नहीं होते, मतलब पेयर ऑफ टैक्स और सर्फर ऑफ टैक्स दोनों डिफरेंट डिफरेंट पर्सन होते हैं। जो सफर करता है वो टैक्स पे नहीं करता, उसके बिहाफ पे दूसरा पे करता है किसको, गवर्नमेंट को। तो ये था फर्स्ट डिफरेंस, कौन सा, पेयर ऑफ टैक्स और सर्फर ऑफ टैक्स डीटी के अंदर सेम पर्सन होते हैं और आईडीटी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पर्सन होते हैं। ओके, सेकेंड डिफरेंस देखते हैं कि जो डायरेक्ट टैक्स है वो क्या है, इनकम बेस्ड है। डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनकम के ऊपर बेस्ड है। और जो इनडायरेक्ट टैक्स है, जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, वो किसके ऊपर बेस्ड है, सप्लाई के ऊपर बेस्ड है। इनकम अर्न करेगा उसके ऊपर डायरेक्ट टैक्स लगता है, इसमें आईडीटी में क्या होता है कि जो सप्लाई होती है उसके ऊपर जीएसटी लगता है या फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगता है। ओके, फिर थर्ड डिफरेंस देखते हैं कि जो रेट ऑफ टैक्सेस है वो डायरेक्ट टैक्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट होती है। जितनी इनकम अर्न करेगा स्लैब रेट्स बढ़ता जाएगा और टैक्सेस हाई रेट ऑफ टैक्स चार्ज होगा। तो रेट ऑफ टैक्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है किसके अंदर, डायरेक्ट टैक्स के अंदर। ओके, और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या होता है, जो रेट ऑफ ड्यूटीज है वो डिफरेंट नहीं होता। जैसे कि प्रोडक्ट, जैसे टूथपेस्ट हो गया, उसके ऊपर अगर 18% एग्जांपल ले रहा हूं कि 18% रेट ऑफ ड्यूटी है, 18% रेट ऑफ ड्यूटी है, तो सबके लिए, सब पर्सन जो भी उसको खरीदेगा सबके लिए सेम है ना। तो डायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या होता है, जो रेट ऑफ टैक्स है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, और इसमें क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जो रेट ऑफ ड्यूटीज होती है वो डिफरेंट डिफरेंट नहीं होती, एक ही ड्यूटी सबके लिए होती है। ओके, अब फोर्थ डिफरेंस देखते हैं, फोर्थ नंबर का डिफरेंस देखते हैं। पहला देखा था पेयर ऑफ टैक्स सर्फर ऑफ टैक्स सेम पर्सन होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ओके, सेकंड देखा था ये डायरेक्ट टैक्स इनकम बेस्ड होता है और आईडीटी क्या होता है, सप्लाई बेस्ड होता है। ओके, थर्ड डिफरेंस देखा था कि डायरेक्ट टैक्स रेट ऑफ जो टैक्सेस होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, लेकिन आईडीटी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ड्यूटीज नहीं होती है, सेम रेट मतलब सेम ड्यूटी होती है। ओके, फिर फोर्थ डिफरेंस देखते हैं कि जो भी डायरेक्ट टैक्स का रेवेन्यू होता है, जो भी डायरेक्ट टैक्स का रेवेन्यू होता है वो किसको जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। किसको जाता है, डायरेक्ट टैक्स से जितना भी रेवेन्यू आता है वो किसको जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स से रेवेन्यू आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को जाता है। ओके, फिर जो फिफ्थ डिफरेंस है वो देखते हैं कि डायरेक्ट टैक्स के अंदर जो इनकम टैक्स है उसके अंदर असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट होता है। मतलब प्रीवियस ईयर के अंदर जो भी इनकम अर्न करते हैं उसका टैक्स अपने को कब देना पड़ता है, या फिर उसका जो भी रहता है वो कब नेक्स्ट असेसमेंट ईयर, जो भी असेसमेंट ईयर आता है उसके अंदर लेते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ओके, अब अपन सिक्स्थ नंबर का डिफरेंस देखते हैं कि जो डायरेक्ट टैक्स है उसके अंदर सीबीडीटी होती है, डिपार्टमेंट कौन सा होता है जो डायरेक्ट टैक्स को हैंडल करता है, सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और इन आईडीटी के अंदर, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। ओके, अब सेवन नंबर का डिफरेंस क्या होता है कि जो भी डायरेक्ट टैक्स है वो क्या होता है, प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। ओके, और आईडीटी के अंदर क्या होता है, रिग्रेसिव इन नेचर होता है। रिग्रेसिव इन नेचर मतलब कि पुअर और रिच दोनों के लिए सेम है, और डीटी के अंदर जितनी इनकम हाई अर्न करेगा उतना हाई रेट ऑफ टैक्सेस चार्ज होता जाता है। ओके, तो अपन ने क्या देखा था, डीटी और आईडीटी, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का छोटा सा डिफरेंस। ओके, अब नेक्स्ट हम लेते हैं फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसके फीचर्स देखते हैं, किसके, इनडायरेक्ट टैक्स के फीचर्स क्या क्या है। ओके, सबसे पहले बताता हूं
फीचर्स के अंदर कि जो भी इनडायरेक्ट टैक्स है ना वो क्या है, मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। मतलब क्या कि इनडायरेक्ट टैक्स से ज्यादा जो रेवेन्यू, डायरेक्ट टैक्स से जो ज्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट को ज्यादा वो किससे ज्यादा है, इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब 50% से भी ज्यादा रेवेन्यू है वो किससे ज्यादा गवर्नमेंट को, इनडायरेक्ट। तो मेजर सोर्स है गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू का, ओके, इनडायरेक्ट टैक्स। फिर सेकंड देखते हैं कि जो भी इनडायरेक्ट टैक्स है वो किसके ऊपर है, टैक्सेस ऑन कमोडिटीज एंड सर्विसेज। टैक्स किसके ऊपर लगता है, कमोडिटी के और सर्विस के ऊपर। जैसे कि कमोडिटी को सप्लाई किया, आईडीटी इनडायरेक्ट टैक्स आ गया, सर्विस दी, आईडीटी आ गया, इनडायरेक्ट टैक्स आ गया। तो किसके ऊपर लगता है, कमोडिटीज और सर्विसेज के ऊपर। फिर आईडीटी क्या, इसके अंदर क्या होता है, इस खास विशेषता, इसके अंदर इसका एक खास फीचर है वो बताता हूं कि शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, इसके अंदर जो बर्डन होता है वो शिफ्ट हो जाता है। किसका बर्डन, टैक्स का बर्डन। जैसे कि होलसेलर की अगर रिटेलर को बेचा और होलसेलर रिटेलर से टैक्स ले लिया, रिटेलर ने लेके फाइनल कंज्यूमर को बेचा, तो रिटेलर ने किससे ले लिया, फाइनल कंज्यूमर से टैक्स ले लिया। तो टैक्स का बर्डन शिफ्ट होता था, फाइनल कंज्यूमर रिटेलर को दे रहा है, रिटेलर होलसेलर को दे रहा है, होलसेलर किसको दे रहा है, गवर्नमेंट को। तो टैक्स शिफ्ट होता जाता ना बर्डन, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच। इनडायरेक्ट टैक्स क्या, नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच, मतलब पिंच भी और दर्द नहीं हुआ। इसका मतलब समझाता हूं मैं कि हम क्या करते हैं, टैक्स दे देते हैं पर हमको पता ही नहीं चल रहा। जैसे पार्ले जी का पैकेट खरीदा छोटा सा, उसके ऊपर लिखा होता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, ओके। तो अपन ने क्या किया, टैक्स पे कर दिया उसमें, हमको पता ही नहीं चला रहा, हमने टैक्स पे कर, नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच। सिंपल मतलब था। तो पहला देखा था मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, टैक्सेस ऑन, सेकंड देखा था टैक्सेस ऑन कमोडिटीज एंड सर्विसेज, और देखा था कि शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, फिर देखा था नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच, और अब देखते हैं इन्फ्लेशनरी, ये भी इसका एक फीचर है, और फिर देखते हैं वाइडर टैक्स बेस, सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर, सारी कमोडिटीज के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, ओके। तो ये इसका फीचर्स हो गया ना कि सारा वाइडर टैक्स बेस सबके ऊपर लगता है जीएसटी, वाइडर टैक्स बेस हो गया, ओके। फिर देखते हैं प्रमोट सोशल वेलफेयर, ये क्या करता है, सोशल वेलफेयर को इनडायरेक्टली प्रमोट करता है। जैसे कि टैबेको हो गया, एल्कोहलिक लीकर्स हो गए, एल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हो गए, उनके ऊपर क्या करती है गवर्नमेंट, हाई रेट ऑफ टैक्सेस चार्ज करती है, जिससे क्या होगा, लोग कम खरीदेंगे, कम खाएंगे, कम नुकसान होगा, कम बर्बाद होंगे। तो क्या करता है गवर्नमेंट, क्या करती है इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस है, ये क्या है प्रोमोट सोशल वेलफेयर को क्या करता है, प्रोमोट करता है। फिर लास्ट फीचर देखते हैं इसका, ये क्या होता है, रिग्रेसिव इन नेचर होता है। अभी मैंने बोला था रिच पर्सन और पुअर पर्सन के लिए सेम रेट ऑफ टैक्सेस रहती है इसके अंदर इनडायरेक्ट। जैसे कि पार्ले जी खरीदा, अमीर आदमी खरीदेगा और गरीब आदमी खरीदेगा, दोनों के लिए टैक्स तो उसमें सेम ही इंक्लूड हुआ ना, ऐसा थे नहीं कि कोई भी वीआईपी आ गया या फिर रिच पर्सन आ गया उसके अंदर हाई रेट टैक्स है, पार्ले जी हाई रेट ऑफ टैक्स चार्ज करती है, और कोई गरीब वाला आ गया उसके लिए कम करती है। तो दोस्तों अभी मेरे क्या पढ़ा अपने, फीचर्स पढ़े, ओके। तो फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस अपन ने पूरे खत्म कर दिए, उसके बाद हम लेते हैं बेनिफिट ऑफ जीएसटी, बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी आने के क्या क्या बेनिफिट्स रहे हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ओके। तो पहला क्या है कि क्रिएटेड यूनिफाइड नेशनल मार्केट, क्रिएटेड यूनिफाइड नेशनल मार्केट, मतलब वन नेशन वन टैक्स, एक राष्ट्र एक कर। मोदी जी आए उनको प्रणाम, उन्होंने जीएसटी को लाया, ओके। वो चाहते हैं कि पूरे राष्ट्र में एक समान टैक्स रेट रहे सबके लिए, वन नेशन वन टैक्स। तो इसने क्या किया, क्रिएटेड यूनिफाइड नेशनल मार्केट, यूनिफाइड मार्केट राष्ट्रीय लेवल पर, नेशनल लेवल पर यूनिफाइड मार्केट को क्या किया, क्रिएट किया है, वन नेशन वन टैक्स। सेकंड क्या है, नो कैस्केडिंग इफेक्ट, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता है, नो कैस्केडिंग इफेक्ट, ओके। उसके बाद देखते हैं नो मल्टीपल टैक्सेस और नो डबल टैक्सेशन, नो मल्टीपल टैक्सेस और नो डबल टैक्सेशन, मतलब बहुत सारे टैक्सेस लगते थे पहले, वैट लगता था, सीएसटी लगता था, ये लगता था, वो लगता था, सबको हटा दिया और जीएसटी ला दिया, मतलब सबको सबसम करके, सबको मिक्स करके, सबको हटा के एक जीएसटी लाया, बहुत सारे टैक्सेस की जगह जीएसटी लाया। तो नो मल्टीपल टैक्सेस और नो डबल टैक्सेशन, ओके। उसके बाद क्या है कि बूस्ट टू मेक इन इंडिया, ओके। उसके बाद क्या है, बायंसी टू रेवेन्यू, मतलब गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा किससे मिल रहा है, रेवेन्यू जीएसटी से आ रहा है, ऐसा है, चिल कर रहे हैं वो रेवेन्यू से, ओके, ऐसा कहना है, बायंसी टू रेवेन्यू, ओके। तो पहला कौन सा था, यूनिफाइड नेशनल मार्केट, वन क्रिएटेड यूनिफाइड नेशनल मार्केट, मतलब वन टैक्स वन नेशन वन टैक्स। सेकंड हमने पढ़ा कि नो कैस्केडिंग इफेक्ट, टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता, कैस्केडिंग इफेक्ट हट गया, नो मल्टीपल टैक्सेस और नो डबल टैक्सेशन। उसके बाद बूस्ट टू मेक इन इंडिया, बैलेंसी टू रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, ओके। अब हम देखते हैं, ये अपन ने क्या देखा था, बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। अब हम देखते हैं दोस्तों इंट्रा और इंटर स्टेट सप्लाई, क्या देखते हैं, इंट्रा और इंटर स्टेट सप्लाई।
इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा और इंटर स्टेट सप्लाई, इसको मैं समझाता हूं, जरा ध्यान से सुनना, गौर से सुनना, ओके। पहले समझाता हूं मैं इंट्रा स्टेट सप्लाई, पहला क्या बताता हूं, इंट्रा स्टेट सप्लाई। इसके अंदर दो चीज होती है, दो पॉइंट होते हैं जिससे डिसाइड कर सकते हैं कि इंट्रा है या फिर इंटर स्टेट है, ओके। मतलब प्लेस ऑफ सप्लायर, ओके, और प्लेस लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ सप्लाई। मतलब सप्लायर कहां बैठा है और जिसको सप्लाई किया, जो बाई कर रहा है वो कहां बैठा है। अगर वो दोनों एक ही स्टेट के अंदर बैठे हैं, एक ही स्टेट के अंदर बैठे हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में दो सिटी है, पुणे और मुंबई, दोनों विद इन स्टेट है ना, एक ही स्टेट के अंदर है। मैं पुणे बैठा हूं और सामने वाला ये आदमी है, ये आदमी है, ये कहां बैठा है, मुंबई बैठा है। मैंने इसको यहां से मार दिया, कहते भाई ये इसको दे दिया मैंने, तो क्या हो गया, विद इन स्टेट हो गया ना। मतलब लोकेशन ऑफ सप्लायर, सप्लायर कौन है, मैं हूं, ये कौन है, कौन है ये जिसको सप्लाई कर रहा हूँ, बायर है ना, तो लोकेशन ऑफ सप्लाई किसको कर रहा हूँ, विद इन स्टेट है ना, मुंबई पुणे एक ही स्टेट में आते हैं ना, पुणे मुंबई एक ही स्टेट में आते हैं ना, तो ये क्या हो गया, इंटर स्टेट सप्लाई हो गया। अब देखते हैं इंटर स्टेट सप्लाई, इसके अंदर क्या होता है, जो लोकेशन ऑफ सप्लायर है और जो लोकेशन ऑफ सप्लाई है, मतलब जिसको हम सप्लाई कर रहे हैं, ये दोनों अलग अलग स्टेट के अंदर बैठे हैं। मैं महाराष्ट्र के अंदर बैठा हूं, मैं राजस्थान वाले को सप्लाई कर रहा हूं, मैं महाराष्ट्र के अंदर बैठा हूं, मैं राजस्थान वाले को सप्लाई कर रहा हूं, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट हो गया ना, तो ये क्या हो गया, इंटर स्टेट सप्लाई। एक होता है इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इंट्रा और इंटर स्टेट सप्लाई, ओके। उसके बाद हम देखते हैं, मैं इसके अंदर और बता देता हूं कि इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई के अंदर जो जीएसटी था वो कैसे चार्ज करते हैं और वो क्या मतलब, कैसे कैसे मतलब समझ नहीं आया। इंट्रा स्टेट सप्लाई के अंदर क्या होता है कि जब सप्लाई करेंगे, जो जब जीएसटी आएगा तो कौन सा था, सी जीएसटी और एस जीएसटी, कौन सा था, सी जीएसटी और एस जीएसटी। इंट्रा स्टेट सप्लाई में सी जीएसटी और एस जीएसटी, लेकिन इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं तो कौन सा आता है, आई जीएसटी आता है, कौन सा आता है, आई जीएसटी, ओके। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई के अंदर कौन सा आता है, सी जीएसटी और एस जीएसटी, और इंटर स्टेट सप्लाई में क्या आता है, आई जीएसटी आता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ओके। उसके बाद देखते हैं जीएसटी कॉमन पोर्टल, जीएसटी कॉमन पोर्टल, ये क्या है, जीएसटी कॉमन पोर्टल मैनेज बाय सेक्शन 8 कंपनी, इट इज कॉल्ड जीएसटीएन। जीएसटी कॉमन पोर्टल को कौन मैनेज करती है, सेक्शन 8 कंपनी, जिसको हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, जीएसटीएन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, ओके। अब जो ये जीएसटी कॉमन पोर्टल है, इसकी वेबसाइट होगी, यूआरएल एड्रेस होगा, है ना, तो www.gst.gov.in, ये इसका क्या है, ये एक ऑनलाइन वेबसाइट है जिसके ऊपर जीएसटी रिलेटेड सारे वर्क होते हैं, वो वहां पर किए जाते हैं, ओके। अब ये जीएसटी एन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, अब इसके सर्विसेज क्या क्या है, ये जीएसटी कॉमन पोर्टल किस काम आता है, क्या वर्क है, ये प्लेटफॉर्म किस लिए यूज किया जाता है, इसकी सर्विसेज देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन करवाना हो तो इस जीएसटी कॉमन पोर्टल जो है, ये वेबसाइट है, यहाँ करवाना पड़ता है। रिटर्न फाइलिंग का है काम, वहां करवाना पड़ेगा, यही करवाना पड़ता है। जीएसटी को पे किया, यही करवाना पड़ेगा। आईजीएसटी का बोलते ना, आईजीएसटी को अगर सेटल करना है, क्रॉस मैचिंग वाला जो है आईटीसी का, वो सारा भी इससे ही होता है। बिजनेस इंटेलिजेंस और एनालिटिक्स जो भी है, वो भी कहाँ से होता है, जीएसटी कॉमन पोर्टल से होता है। अब ये जीएसटी कॉमन पोर्टल किसके द्वारा यूज किया जाता है, कौन कौन इसको यूज करता है, जैसे टैक्स पेयर्स हो गए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो गए, ओके, जीएसटी प्रैक्टिशनर्स हो गए, तो ये जीएसटी कॉमन पोर्टल था, ओके। जीएसटी कॉमन पोर्टल सेक्शन 8 कंपनी, मैनेज बाय सेक्शन 8 कंपनी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, कुछ याद आ रहा होगा, मेरे पिछले वीडियो में बताया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, ओके। अब इसकी सर्विसेज मैंने अभी वापस बता देता हूँ, इसका वेबसाइट यूआरएल एड्रेस क्या है, www.gst.gov.in, और इसके सर्विसेज क्या, रजिस्ट्रेशन करवाना, जीएसटी पे करना, ओके, और क्या करना, रिटर्न को फाइल करना। अब ये किसके लिए, टैक्स पेयर्स के लिए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए और जीएसटी प्रैक्टिशनर्स के लिए। तो जीएसटी कॉमन पोर्टल भी अपना ओवर हो गया। अब देखते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड मूवमेंट, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स क्या होता है, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स मतलब कि, एक छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा वापस, मैंने पहले वीडियो है इसका टॉपिक है, मैंने वहां अच्छे से समझा रखा है, यहाँ पे ये थोड़ा बोलूंगा तो तुम आप लोगों को समझ नहीं आएगा, सॉरी आप लोगों को समझ नहीं आएगा, ओके। तो थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा, छोटा सा, ओके। तो प्लीज प्लीज ध्यान देना, राजस्थान से मैं सप्लाई करता हूं, कहां पे,
महाराष्ट्र, कहां कर रहा हूं, महाराष्ट्र, क्या कर रहा हूं मैं, सप्लाई कर रहा हूं। ओके, अब इसके ऊपर क्या है, ये इंटरस्टेट सप्लाई है, कहां आएगा, क्या आएगा, आईजीएसटी आएगा। अब हम आईजीएसटी किसको जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों में डिवाइड होगा ना, जाएगा ना दोनों को। ओके, तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा, लेकिन ये जो स्टेट गवर्नमेंट है, अब ये इस स्टेट गवर्नमेंट को राजस्थान वाली को जाएगा या फिर महाराष्ट्र वाली को जाएगा, किसको जाएगा, राजस्थान वाली को जाएगा या महाराष्ट्र वाली को जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स ये उस स्टेट को जाएगा जो गुड्स को, जो जिस कमोडिटी को सप्लाई किया है, वो फाइनली जो स्टेट कंज्यूम करेगा, फाइनली जो स्टेट कंज्यूम करेगा उस स्टेट को ये एसजी वाला जो पार्ट है वो जाएगा। जैसे कि ये 50% तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले लिया, और जो ये 50% बचा ये किसको जाएगा, जो स्टेट फाइनली कंज्यूम करेगा। जैसे कि अपना कौन सा स्टेट फाइनली कंज्यूम कर रहा है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट कर रहा है ना, तो ये जो एसजी वाला पार्ट है, स्टेट गवर्नमेंट वाला पार्ट है आईजीएसटी का, जो एसजी वाला पार्ट है स्टेट का, वो किसको जाएगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जाएगा, सिंपल। तो ये डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स था, मतलब डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन मतलब क्या होता है कि जो भी फाइनली जो स्टेट गुड्स को या फिर जो भी सप्लाई कंज्यूम कर रही है उस स्टेट गवर्नमेंट को ये वाला 50% पार्ट जाएगा। तो ये क्या था, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं हम ड्यूअल मॉडल जीएसटी, ड्यूअल मॉडल जीएसटी। आपको बोर तो नहीं हो रहा है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने ये पार्ट्स ऑलरेडी कवर कर रहा है, मैं रिवीजन पर्पस से आया हूं यहाँ पे। ओके, मैं फास्ट भी बोल रहा हूँ, आप लोगों को फास्ट भी लग रहा हूँ, लेकिन आपको कॉन्सेंट्रेट इतना रखना कि मैं कितना ही फास्ट बोलूं आपका माइंड उतना ही वर्क करना चाहिए जितना मैंने हार्ड वर्क किया है। ओके फ्रेंड्स, तो बोर मत होइए, देखते रहिए वीडियो को, ये बहुत ही बेनिफिट है आपके लिए, बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए, बहुत हेल्प करेगा। ओके, तो हम देखते हैं ड्यूअल मॉडल जीएसटी। अब ये ड्यूअल मॉडल जीएसटी, इंडिया के अंदर ड्यूअल मॉडल जीएसटी, जैसे जो भी रेवेन्यू आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, तो ड्यूअल मॉडल जीएसटी हो गया। सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, हम छोटा सा समझ लेते हैं। सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, सीजीएसटी कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, एसजीएसटी कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो सीजीएसटी रेवेन्यू सोर्स किसके लिए, सेंट्रल के लिए। एसजीएसटी रेवेन्यू सोर्स किसके लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए। अब एसजीएसटी है वो एक तो स्टेट को जाता है और एक दो यूटी है, यूनियन टेरिटरी विद स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे दिल्ली और पांडिचेरी, दिल्ली और पांडिचेरी। ओके, ये विद स्टेट विद लेजिस्लेचर है। अब इसके ऊपर भी क्या आता है, एसजीएसटी आता है, क्या आता है, एसजीएसटी, मैंने वैसे पहले समझाया है ना। तो ड्यूअल मॉडल जीएसटी में एसजीएसटी है वो 29 स्टेट और दो यूटी विद स्टेट लेजिस्लेचर, यूनियन टेरिटरी कौन सा, दिल्ली और पांडिचेरी, इसके ऊपर एसजीएसटी आएगा। अब आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसके ऊपर जो भी इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं उसके ऊपर आएगा आईजीएसटी, फिर उसको कॉन्ट्रीब्यूट ऐसे ही करते हैं, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगा, जो 50% एसजी का है वो किसको जाएगा, जो भी स्टेट फाइनली इसको कंज्यूम करेगा उसको चला जाता है। ओके, यूटीजीएसटी, टोटल 7 यूनियन टेरिटरी है, उसमें से दो तो विद स्टेट लेजिस्लेचर है जिनके ऊपर एसजीएसटी आता है, और बाकी जो 5 बची है उसको मैं आगे कवर करूंगा कि वो 5 कौन सी है, वो 5 बची है उसको बोलते हैं विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर, उसके ऊपर क्या आता है, यूटीजीएसटी आता है, क्या, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये ड्यूअल मॉडल जीएसटी था, इंडिया के अंदर ड्यूअल मॉडल जीएसटी कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, जिसका जो रेवेन्यू आता है जीएसटी का वो सेंट्रल को भी जाता है, स्टेट, यहाँ पे केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों ही, दोनों को देना पड़ेगा, दोनों को चलाना है ना देश को। ओके, फिर आता है जीएसटीआईएन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसका फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, GSTIN। फ्रेंड्स, मैंने बताया था, दोस्तों मैंने बताया था कि जो GSTIN है ये कितने डिजिट का होता है, जो गुड्स एंड सर्विस नंबर है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये कितने डिजिट का होता है, 15 डिजिट का, ये क्या होता है, GSTIN। ध्यान से सुनना, 15 डिजिट कैसे होते हैं, उसका फॉर्मेट कैसे होता है। ओके, तो पहले जो 2 डिजिट है, मतलब फर्स्ट 2 डिजिट जो स्टेट कोड को क्या करते हैं, शो करते हैं, वो बताते हैं कि ये कौन से स्टेट का GSTIN है। जैसे कि 08 है वो राजस्थान का है, तो GSTIN के जो फर्स्ट 2 डिजिट है, पहले 2 डिजिट है वो स्टेट कोड को बताते हैं, ठीक है, तो 2 डिजिट हो गए। उसके बाद नेक्स्ट 10 डिजिट, 2 डिजिट के बाद जो नेक्स्ट 10 डिजिट है, मतलब तीसरे डिजिट से 12वें डिजिट तक जो ये 10 डिजिट है, ये पेन नंबर होते हैं, किसके, जो भी टैक्स पेयर होता है उसके पेन नंबर। तो फर्स्ट 2 डिजिट स्टेट कोड को शो करते हैं,
उसके बाद नेक्स्ट 10 डिजिट है जो पेन नंबर होते हैं किसके, टैक्स पेयर के, और उसके बाद जो 13वें नंबर का डिजिट होता है, 12 तक तो अपन ने देख लिए, 13 नंबर का जो डिजिट होता है वो नंबर ऑफ ब्रांचेस इन ए स्टेट, नंबर ऑफ ब्रांचेस इन ए स्टेट मतलब एक स्टेट के अंदर कितनी ब्रांच है, एक है तो एक लिखा होगा, दो है तो दो लिखे होंगे, पांच है तो पांच लिखे होंगे, तो मतलब 13वें नंबर का जो डिजिट है वो किसको प्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ ब्रांचेस इन ए स्टेट। अब 14 14वें नंबर का जो डिजिट है वो ऑलवेज जेड होता है, कोई सा भी GSTIN नंबर उठा के देख लो उसमें आपको जो 14 नंबर का डिजिट है वो हमेशा जेड ही दिखेगा, और जो लास्ट डिजिट है 15वें नंबर का जो डिजिट है उसका कोई लॉजिक नहीं, वो अल्फाबेटिक नंबर्स के अंदर होता है, 1 हो गया 2 हो गया, वो केवल किसके लिए अपन डिटेक्ट, कोई भी एरर मिस्टेक होगी उसको डिटेक्ट करने के लिए उसको नो, उसका कोई लॉजिक नहीं है, वो नंबर हो सकता है, लास्ट वाला डिजिट नंबर ही होता है, 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया, इसके अंदर कोई उसका कोई लॉजिक नहीं है। तो 15 डिजिट का होता है क्या GSTIN, गुड्स एंड आइडेंटिफिकेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन जब भी अपना GST का एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता है, जो GST ऑफिसर से अप्रूव कर देते हैं, उसके बाद अपने को क्या मिलता है, GSTIN नंबर मिलता है। तो 15 डिजिट का होता है, पहले दो स्टेट कोड, पहले दो डिजिट स्टेट कोड के, फिर अगले नेक्स्ट 10 डिजिट वो पेन नंबर होते टैक्स पेयर के, 13वें नंबर का डिजिट क्या होता है, 12 हो गया ना, 13वें नंबर का क्या होता है, नंबर ऑफ ब्रांचेज इन स्टेट, 14वें नंबर का डिजिट, 14 नंबर का जो डिजिट होता है वो क्या होता है, ऑलवेज जेड होता है, और लास्ट जो डिजिट होता है वो अल्फाबेट नंबर में होता है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, चेक डिजिट बोलते हैं उसको, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ये GSTIN नंबर था, ठीक है। फिर हम देखते हैं GST काउंसिल बोर मत होना प्लीज मैं मेरा पूरा ट्राई करूंगा, अच्छे से रिवाइज कराऊंगा, ये सुन लोगे तो मैंने जो 10 वीडियो 11 वीडियो बनाए हैं इसके, जो 11 पार्ट बनाए हैं पहले वो देखो 11, या फिर इसको कॉन्सेंट्रेटली सुन लो, एकदम बराबर है, इक्वल है, प्लीज ध्यान से सुनते रहो। जीएसटी काउंसिल आपको बहुत अच्छा लगेगा, जब ये वीडियो ओवर होगा आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके, तो जीएसटी काउंसिल कौन से आर्टिकल के अंदर फॉर्म हुई थी, आर्टिकल 279A के अंदर जीएसटी काउंसिल फॉर्म हुई थी। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूट कब किया था, 15th of September 2016 के अंदर, 15 सितंबर 2016 के अंदर कॉन्स्टिट्यूट किया था, प्रेसिडेंट ने कंफर्मेशन दी। ओके, उसके बाद जो जीएसटी काउंसिल है उसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, जीएसटी काउंसिल के चेयरपर्सन होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, UFM यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, चेयरपर्सन कौन होते हैं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, और मेंबर्स कौन होते हैं, जीएसटी काउंसिल के मेंबर्स होते हैं जो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं और रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जो चेयरपर्सन होते हैं जीएसटी काउंसिल के वो कौन होते हैं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, और जो मेंबर्स होते हैं जीएसटी काउंसिल के वो कौन होते हैं, जो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर एंड रिप्रेजेंटेटिव उसके मेंबर्स होते हैं, किसके, जीएसटी काउंसिल के। उसके बाद इसके क्या क्या फंक्शन है, जीएसटी काउंसिल के क्या क्या फंक्शन है, जैसे कि जीएसटी काउंसिल टैक्स रेट डिसाइड करती है, टैक्स रेट, पर्टिकुलर टैक्स रेट ऑन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स, फिर जो भी एग्जम्पशन जीएसटी के अंदर कौन कौन सी एग्जम्पशन, कौन सी कमोडिटी का एग्जम्प्ट करनी है, ये एग्जम्पशन जो भी सारे डिसीजन होते हैं एग्जम्पशन को डिसाइड करते हैं, डिफाइन करते हैं, वो कौन करता है, जीएसटी काउंसिल करती है। उसके बाद जो थ्रेशोल्ड लिमिट्स होती है जीएसटी की, वो भी जीएसटी काउंसिल का काम है उसको डिसाइड करना। उसके बाद जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं किसके बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट, लड़ाई झगड़े कुछ भी डिस्प्यूट आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, किसके अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उसको कौन रिजोल्व करता है, जीएसटी काउंसिल, मतलब जीएसटी काउंसिल करता धरता बोल सकते हैं अपन, कि जीएसटी काउंसिल को 279 आर्टिकल 279A के अंदर फ्रेम किया, बनाया गया। उसके बाद प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया था 15 सितंबर 2016 को, इसके चेयरपर्सन जीएसटी काउंसिल के कौन होते हैं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। उसके बाद इसके मेंबर्स कौन होते हैं जीएसटी काउंसिल के, जो भी स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर है और उसके जो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव है वो इसके मेंबर्स होते हैं। इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, इसके फंक्शन टैक्स रेट डिसाइड करते हैं, एग्जम्पशंस डिसाइड करते हैं, और थ्रेशोल्ड लिमिट्स हो गई, और डिस्प्यूट्स हो गए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के, इसको कौन रिजोल्व करता है, जीएसटी काउंसिल। दोस्तों फिर देखते हैं आर्टिकल 246 आर्टिकल 246 बताना चाहूंगा कि जो भी टैक्स को कलेक्ट करने के पावर होते हैं गवर्नमेंट के पास वो कौन देता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स पावर टू गवर्नमेंट फॉर कलेक्ट ऑफ टैक्स, कलेक्शन ऑफ टैक्स। ओके, तो 246 आर्टिकल के अंदर सेवन शेड्यूल ऑफ आर्टिकल 246 के अंदर
तीन लिस्ट को डिस्क्राइब किया गया, बताया गया है जिसके अंदर किसको क्या पावर दे रखे हैं, है ना। तो फर्स्ट लिस्ट है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट के जो भी लॉज हैं वो कौन बनाती है? पावर पार्लियामेंट। पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव राइट टू मेक द लॉ। तो ये यूनियन लिस्ट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसके पावर्स होते हैं, मतलब पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव राइट टू मेक लॉ। ये क्या लिखा है यूनियन लिस्ट के अंदर? तीन लिस्ट है आर्टिकल 246 के अंदर। पहला यूनियन लिस्ट जिसके पावर्स, यूनियन लिस्ट के पावर्स किसके पास होते हैं? पार्लियामेंट को बनाने के पावर्स किसके पास होते हैं? लॉ बनाने के, पार्लियामेंट के पास। यूनियन लिस्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है वो टैक्स चार्ज करती है, जैसे कि सेंट्रल स्टेट टैक्स, सर्विस टैक्स हो गया, ओके, एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हो गई। ये कहां है? यूनियन लिस्ट के अंदर लिखा हुआ है। फिर देखते हैं स्टेट लिस्ट, सेकंड कौन सी है? स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के जो भी लॉज हैं वो स्टेट लिस्ट के अंदर लिखा है, देखा है कि स्टेट गवर्नमेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ। स्टेट गवर्नमेंट के पावर होते हैं जो इसके अंदर कौन, स्टेट लिस्ट के अंदर कौन कौन सा टैक्स आते हैं, जैसे कि वेट हो गया, स्टेट एक्साइज ड्यूटी हो गई। अब जो यूनियन लिस्ट के अंदर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है वो सप्लाई मतलब मैन्युफैक्चरिंग हो और कम्युनिटीज के लिए, लेकिन स्टेट एक्साइज ड्यूटी है, ओके, ये किसके ऊपर ही लगती है केवल? ये स्टेट लिस्ट के अंदर लिखा है किस किसके ऊपर, जैसे किसके ऊपर लगती है? जब मैन्युफैक्चरिंग को एल्कोहलिक लिकर, एल्कोहलिक प्रोडक्ट्स के ऊपर जब मैन्युफैक्चर होता है तब स्टेट के पावर, स्टेट के पावर पास पावर होता है एक्साइज ड्यूटी को लेने के लिए। तो वेट और स्टेट एक्साइज ड्यूटी हो गई, है ना। तो ये किसके हाथ में है? ये कहां लिखा हुआ है? स्टेट लिस्ट के अंदर, ओके। फिर आता है कॉन्करेंट लिस्ट। पहला क्या था? यूनियन लिस्ट, फिर था स्टेट लिस्ट, फिर आता है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट था ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर से, पावर पार्लियामेंट के पास होता है पावर लॉ बनाने के। स्टेट लिस्ट था स्टेट गवर्नमेंट के पास है लॉ, पावर बना, पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है लॉ बनाने के। फिर आता कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके क्या इसके लॉ बनाती है, ओके। अब कॉन्करेंट लिस्ट में कौन कौन से लॉ आ गए, जैसे कि इंडियन पेनल कोड IPC, ओके, मैरिज एक्ट हो गया, ओके, क्रिमिनल लॉज हो गए, प्रोसीजर्स हो गए, वो कहाँ लिखा है? कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर, मतलब उन दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर इसके लॉज बनाते हैं कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। तो आर्टिकल 246 भी देख लिया, मतलब सेवन शेड्यूल ऑफ आर्टिकल 246 के अंदर तीनों लिस्ट बताई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। फिर दोस्तों देखते हैं कि टैक्सेस सबसम अंडर GST, कौन कौन से टैक्सेस जो खत्म हो गए और GST बन गए, मतलब GST के अंदर आ गए। सेंट्रल वाले में देख ले, सेंट्रल टैक्सेस कौन कौन से थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में थे और वो GST बन चुके हैं, जैसे कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, सेंट्रल सेल्स टैक्स हो गया, वो अब GST के अंदर आ गए, मतलब वो हट गए और GST हो गया। फिर स्टेट वाला देख ले, स्टेट के पास वेट हो गया, स्टेट एक्साइज ड्यूटी हो गई, एंट्री टैक्स हो गया, एंट्री टैक्स हो गया, इंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, ओके, नहीं नहीं इंटरटेनमेंट टैक्स नहीं हुआ है, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय हो गई, ऑक्ट्रॉय हो गई, ये सारे क्या सबसम होके क्या क्या टैक्सेस सबसम होके क्या बन गए? GST बन गए। फिर उसके बाद 14 देखते हैं अपन, 14 नंबर का कि कमोडिटी आउटसाइड द पर्व्यू ऑफ GST, मतलब कौन कौन सी कमोडिटीज है जिनको अभी भी GST से बाहर रखा गया है। तो पहला देख लें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इसके अंदर पहला पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को GST से बाहर रखा गया है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अंदर जैसे कि पेट्रोलियम, पेट्रोल हो गया, ओके, मोटर स्पिरिट हो गया, नेचुरल गैस हो गया, एविएशन टर्बाइन फ्यूल हो गया, ओके, नेचुरल गैस हो गया, एविएशन टर्बाइन फ्यूल हो गया, मोटर स्पिरिट हो गया, ओके, पेट्रोल हो गया, डीजल, ये जो डीजल हो गया, ये सारे क्या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है जिनको क्या कर रखा है? GST से बाहर रख रखा है। लेकिन GST काउंसिल है इस, ये चाहे तो फ्यूचर डेट्स में क्या कर सकती है, जो ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो उसको GST के अंदर ला सकती है, ओके। और फिर कौन सा हो गया? एल्कोहलिक फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसको भी अभी GST से बाहर रखा गया है। और इलेक्ट्रिसिटी, इसको भी GST से बाहर रखा गया है। तो कॉमोडिटीज के अंदर तीन कॉमोडिटीज, तीन ऐसे हैं जिनको अभी भी GST से बाहर है, मतलब कॉमोडिटीज कैप टू बी आउटसाइड द पर्व्यू ऑफ GST, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, ओके, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए। सेकंड कौन सा है? एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है। और थर्ड कौन सा था? इलेक्ट्रिसिटी। फिर देखते हैं हम स्पेशल कैटेगरी स्टेट, एक होता है नॉर्मल स्टेट और स्पेशल कैटेगरी स्टेट। जो अपना थ्रेशोल्ड लिमिट है GST की, नॉर्मल स्टेट और स्टेट स्पेशल स्टेट की दोनों अलग अलग है। तो नॉर्मल स्टेट में बाकी आ जाएंगे, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में बता देता हूँ कौन कौन से है। 11 ऐसे स्टेट है जिनको स्पेशल कैटेगरी स्टेट के अंदर ले रखा है। पहला कौन सा है? ये मैंने पहले टॉपिक में नहीं बताता, यही कवर कर रहा हूँ, तो प्लीज ध्यान से देखना। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के अंदर जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट नॉर्मल स्टेट से डिफरेंट होती है, तो मैं बताता हूँ 11 स्टेट्स ऐसे हैं जिनको स्पेशल कैटेगरी में ले रखा है। पहला कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश,
आप लिख भी सकते साथ साथ नोट करते जाइए, है ना। अरुणाचल प्रदेश, सेकंड है असम, थर्ड है जम्मू कश्मीर, फिर है मणिपुर, मेघालय, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। एक बार और बोलूंगा, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। टोटल 11 स्पेशल स्टेट्स हैं। ओके, फिर आप देखते हैं यूनियन टेरिटरी। टोटल यूनियन टेरिटरी 7 यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी को दो पार्ट में लेते हैं। एक होता है विद स्टेट लेजिस्लेचर, जिसके अंदर दो यूनियन टेरिटरी को स्टेट लेजिस्लेचर, विद स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे कि दिल्ली हो गया और पौंडीचेरी। ओके, इसके ऊपर SGST आता है। विद स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर ले रखा है दिल्ली और पौंडीचेरी को। बची 5, 7 में से कितनी बची, 7 में से कितनी बची, 5 बची ना, 5 बची ना। अब ये कौन कौन सी यूटीज है, जैसे कि चंडीगढ़ हो गया, ओके, दादर एंड नागर हवेली हो गया, ठीक है, दमन दीव हो गया, अंडमान निकोबार हो गया और लक्षद्वीप। कौन सी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, ये भी मैंने पहले बताया शायद, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादरा एंड नगर हवेली, अंडमान निकोबार और दमन एंड दीव। अब ये 5 यूनियन टेरिटरी जिनको जिनको हम बोलते हैं विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर, इसके ऊपर लगता है UTGST। 5-7 है ना टोटल, पहली दो कौन सी है, दिल्ली और पौंडीचेरी, इसके ऊपर क्या लगता है, SGST विद स्टेट लेजिस्लेचर बोलते हैं। बची कितनी, 5, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली और अंडमान निकोबार, इसके ऊपर UTGST आता है। तो सारे हो गए फ्रेंड्स, मैंने अभी तक जितने टॉपिक्स पहले पार्ट्स में पढ़ाए हैं उनका फुल फ्लेज रिविजन ये है। मैंने शायद स्पीड में बोला होगा, लेकिन कॉन्सेंट्रेटली उसको सुनेंगे बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। तो हमने सारे पॉइंट्स देख लिए, ये पूरा GST का बेस था, ये GST का बेस था। आपको GST आगे पढ़ने के लिए इतना समझना जरूरी है, जो मैंने पूरा कवर किया है। कुछ कुछ चीजें छूटी होगी, पर मैंने ट्राई किया है पूरी कवर करने का और मैंने सारी कवर की है। तो मैंने पूरा रिवीजन, इसको आप ब्रह्मास्त्र बोल सकते हो, किसका, GST का ब्रह्मास्त्र, मतलब सभी लोगों के लिए, सभी जो जिसको GST का नॉलेज चाहिए। जरूरी नहीं कि वो किसी भी प्रोफेशन में हो गया, CA हो गया, CS हो गया, CMA हो गया, या फिर कोई भी प्रोफेशन हो गया जिसमें GST सब्जेक्ट उनको आता हो, उसी के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। GST का एटलीस्ट बेसिक जो नॉलेज है, GST का जो बेसिक नॉलेज है, वो पूरा फुल फ्लेज रिविजन था। ओके, तो इसी तरह आप जुड़े रहिए इस चैनल से। मैं आगे भी कुछ कुछ मतलब टॉपिक्स होने के बाद रिविजन लाता रहूंगा, मैं ट्राई करूंगा मेरा बेस्ट परफॉर्म करने का। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, देखते रहिए इस चैनल को, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और प्लीज लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया हो। थैंक यू।